स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा। इस मैच का वीडियो मैंने अपलोड अपने चैनल पे पहले ही कर दिया था, लेकिन मैं ये सेकंड वीडियो इंडिया के अपडेट प्लेइंग इलेवन का बना रहा हूँ, क्योंकि विराट कोहली ने अपने 12 प्लेयर्स का नेम जो है अनाउंस कर दिया। इन्हीं 12 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स खेलने वाले हैं, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले अगर अब तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और आप फ्री में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैच से एक मिनट पहले भी कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा, और आपको हर मैच की टेलीग्राम ग्रुप पर टीम्स भी मिलती रहेगी। तो आप जल्दी से जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस मैच में इंडिया की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है। रोहित शर्मा और शिखर धवन ये दोनों आपको यहाँ से कन्फर्म ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। विराट कोहली, अंबाती रायडू, MS धोनी, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, खलील अहमद मुझे लगता है 99% इस मैच में खेलने वाले, और वो नेट पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और उमेश यादव, तो ये प्लेइंग इलेवन हो सकती है इंडिया की इस मैच में। मुझे लगता है 95% यही प्लेइंग इलेवन रहने वाली है। सिर्फ आपके लिए एक प्लेयर जो है इस प्लेइंग इलेवन में इसकी हो सकता है, उसका नाम है उमेश यादव। उमेश यादव की जगह मोहम्मद शमी को टीम में मौका दिया जा सकता है, या उमेश यादव या मोहम्मद शमी, इन दोनों में से कोई एक खेलने वाला है। बाकी ये 10 प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ रहने वाले, और इन्हीं 12 प्लेयर्स का नाम जो है विराट कोहली ने अनाउंस किया। इन्हीं 12 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है, उमेश यादव या मोहम्मद शमी, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ रहेंगे। बात करते हैं कि इस मैच में वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है। किरण पोवेल और चंद्रपोल हेमराज ये दोनों आपको यहाँ से ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। चंद्रपोल हेमराज थोड़ा आपके लिए डाउटफुल हो सकते हैं। सिमरन हेटमायर, साई होप, मार्लो सेमुल्स, रोमेन पोवेल, जेसन होल्डर, फेबियन एलन, एस्लिन नर्स, देवेंद्र बिशु और केमो पोल, तो ये प्लेइंग इलेवन हो सकती है वेस्ट इंडीज़ की। अब वेस्ट इंडीज़ भी अपने प्लेइंग इलेवन में बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, उन चेंजेस की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, सुनील एम्ब्रिस, ओबेड मेकोई और केमार रोच, ये कुछ खिलाड़ी बेंच पर बैठे। बात करते हैं चेंजेस के बारे में। यहाँ पर जो फर्स्ट चेंज हो सकता है, चंद्रपोल हेमराज आपके लिए थोड़ा इस मैच के लिए इसकी हो सकते हैं। चंद्रपोल हेमराज की जगह सुनील एम्ब्रिस को टीम में मौका दिया जा सकता है, तो ये एक फर्स्ट प्लेयर आपके लिए रहेगा। जिसकी अगर सेकंड प्लेयर की मैं बात करूँ तो फेबियन एलन की जगह ओबेड मेकोई को टीम में मौका दिया जा सकता है, तो ये सेकंड प्लेयर आपके लिए रिस्की रहेगा। और थर्ड रिस्की प्लेयर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे केमा रोच को भी टीम मौका दे सकती है, वे फेबियन एलन के ही जगह, तो ये कुछ प्लेयर आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ रहेंगे, आप किसी प्लेयर को अपनी टीम में एकदम सेफली पिक कर सकते हो। अगर लास्ट टाइम में कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, तो आप जल्दी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जो कि एकदम फ्री है। और इस वीडियो में अब तक कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। हम आगे बात करने वाले ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने आपके लिए स्मॉल लीग की टीम बनाई है, उस टीम की हम बात करने वाले हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, साई होप, MS धोनी और ऋषभ पंत, तीनों ही आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाले। तीनों में से आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में एकदम सेफली पिक कर सकते हो। ऋषभ पंत 100% ये मैच खेलेंगे, तो मैंने अपनी टीम में विकेट कीपर सेक्शन में ऋषभ पंत को लिया। हालांकि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, ऋषभ पंत को मैंने अपनी टीम में इसीलिए लिया क्योंकि इनके जो पॉइंट है वो बहुत ही कम है, ताकि हम आगे बेहतर प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। आप चाहो तो MS धोनी और साई होप को भी पिक कर सकते हो, लेकिन ऋषभ पंत इस मैच में विकेट कीपिंग नहीं करने वाले, इस मैच में MS धोनी ही विकेट कीपिंग करेंगे। बात करते हैं हम आगे बैट्समैन सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने विराट कोहली को लिया जो नंबर वन बैट्समैन है, रोहित शर्मा जो नंबर सेकंड बैट्समैन है, और शिखर धवन जो नंबर फाइव बैट्समैन है पूरे वर्ल्ड के। तो इन तीन बेस्ट बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया है, और सिर्फ वेस्ट इंडीज की तरफ से मैंने एक ही बैट्समैन को अपनी टीम में पिक किया, सिमरन हेटमायर को, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। इवेन लेविस का मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं, इवेन लेविस अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपनी टीम में इवेन लेविस को पिक नहीं करना है। अंबाती रायडू आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, आप अंबाती रायडू को एकदम सेफली अपनी टीम में पिक कर सकते हो। लोकेश राहुल नहीं खेलेंगे, आपको अपनी टीम में लोकेश राहुल को पिक नहीं करना है। निकोल्स पूरन नहीं खेलेंगे, किरण पोवेल आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। मनीष पांडे इस मैच में नहीं खेलेंगे, तो आपको मनीष पांडे को अपनी टीम में पिक नहीं करना है। सुनील एम्ब्रिस खेल सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। चंद्रपोल हेमराज और सुनील एम्ब्रिस, इन दोनों में से कोई एक खेलने वाला है। बात करते हैं हम आगे ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। तो रविंद्र जडेजा को मैंने अपनी टीम में लिया है,
जेसन होल्डर और रोमन पोवेल, तो इन तीन बेस्ट ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में लिया है। मान लो सेमुल्स आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, आप इन्हें अपनी टीम में एकदम सेफली पिक कर सकते हो। फेबियन एलन का मैंने आपको बता दी है, इस मैच के लिए थोड़ा रिस्की हो सकते हैं। बात करते हैं हम आगे बॉलिंग सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे मैंने कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और मैंने अपनी टीम में यहाँ पे एस्टेन नर्स को लिया है। तो इन तीन बॉलर के साथ में अपने छोटी लीग में जाने वाला हूँ। अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो मोहम्मद शमी का आपके लिए एक ऑप्शन है, मुझे लगता है मोहम्मद शमी इस मैच में खेलेंगे। मोहम्मद शमी और उमेश यादव, इन दोनों में से कोई एक खेलने वाला, तो दोनों में से आप किसी को भी पिक कर सकते हो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो। तो देवेंद्र बिशु एकदम सेफ ऑप्शन है, अल्जारी जोसेफ को मुझे लगता है मौका नहीं मिलेगा। केमा रोच को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो, मुझे लगता है इनके हाई चांसेस रहने वाले खेलने के। खलील अहमद ये मैच खेलेंगे 99%, तो आप इन्हें अपनी टीम में एकदम सेफली पिक कर सकते हो। शार्दुल ठाकुर ये मैच नहीं खेलेंगे, ओशन थॉम्स नहीं खेलेंगे, केमो पोल खेल सकते हैं, तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हो। तो करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो मैंने अपनी टीम में कैप्टन रखा है विराट कोहली को और वाइस कैप्टन मैंने अपनी टीम में बनाया शिखर धवन को। तो करते हैं टीम को सेव और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की। तो यही मेरी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग का फाइनल प्रीव्यू रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं ग्रैंड लीग के टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए ग्रैंड लीग बनाई है। साई होप को मैंने विकेट कीपर सेक्शन में लिया है। अगर आप चाहो तो आप ऋषभ पंत या एम एस धोनी किसी को भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली, पोवेल और चंद्रपूर्ण हेमराज, तो इन चार बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया। हेमराज आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप हेमराज को ड्रॉप करके किसी भी सेफ प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में मान लो सेमुल्स, जेसन होल्डर और रविंद्र जडेजा को मैंने अपनी टीम में लिया है। बॉलिंग सेक्शन में देवेंद्र बिशु, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, तो इन तीन स्पिनर बॉलर्स को मैंने अपनी टीम इसीलिए पिक किया क्योंकि वेस्ट इंडीज जो टीम है वो स्ट्रगल करती है स्पिनर बॉलर के सामने, इसीलिए मैंने अपनी टीम में स्पिनर बॉलर को ज़्यादा पिक किया। तो ये मेरे ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। कप्तान मैंने बनाया रोहित शर्मा को और वाइस कैप्टन मैंने अपनी टीम में बनाया रविंद्र जडेजा को। जो मैंने आपको फर्स्ट टीम दी है वो टीम है स्मॉल लीग और हेड टू हेड लीग की, और जो मैंने आपको सेकेंड टीम दी ये है 111 मेंबर की जो लीग होती है ग्रैंड लीग उसकी। तो अगर आप इन दोनों टीमों के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जो कि एकदम फ्री है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।